हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं अपडेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने अपना न्यू फोन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इंडिया में अपना न्यू फोन लॉन्च कर दिया है सैमसंग ने, सैमसंग गैलेक्सी A7। बात करें इस फोन के बारे में तो इसमें आपको मिलते हैं ट्रिपल रियर कैमरास। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसी फोन के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ और बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब प्लीज, वीडियो को करिए लाइक। बात करें कैमरास की तो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 24 मेगापिक्सल का फिक्स फोकस वाला, जिसका एपेचर है f2.0, LED फ्लैश के साथ। इसके बाद बात कर लें रियर कैमरे की तो रियर कैमरे में आपको मिलते हैं तीन कैमरे। पहला कैमरा है 24 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला f1.7 के एपेचर वाला, और उसके साथ दूसरा कैमरा आता है 8 मेगापिक्सल का f2.4 के अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ। और बात करें तीसरे कैमरे की तो तीसरा कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, जिसका अपर्चर है f2.2 का। और बात करें प्रोसेसर की तो कंपनी ने लिखा है प्रोसेसर ऑक्टाकोर, जिसकी क्लॉक स्पीड बताई गई है 2.2 गीगाहर्ट्ज की। मुझे विश्वास है कि बीच में सैमसंग ने कहीं घुसेड़ रखा होगा एक्सिनोस का प्रोसेसर। बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो आपको डिस्प्ले मिलता है 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले सुपर अमोलेड वाला, जो 18S259 के साथ आता है। बात करें इसकी स्टोरेज की तो आपको इसमें मिलते हैं दो वेरिएंट्स, जिसमें आता है 4GB, 64GB, 6GB, 128GB। दोनों ही फोनों में आप 512GB का SD कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं। और बात करें इसके एंड्रॉइड की तो एंड्रॉइड आपको मिलता है इसमें ओरियो 1.0। फोन के खास फीचर की बात करें तो खास फीचर इसमें यह है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मिलेगा आपको साइड बटन पर, जो पावर अनलॉक बटन होता है उस पर। फोन के दोनों ही वेरिएंट्स में आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रोक्सीमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, सारे तरीके के सेंसर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें कनेक्टिविटी की तो आपको इसमें मिलता है डुअल सिम, वाईफाई 802.11, ब्लूटूथ 5 पॉइंट का इसमें आपको मिलता है, जिसकी स्पीड आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बात करें फोन की बैटरी की तो 3300mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है। और फाइनली बात करें इस फोन की प्राइस के बारे में तो 4GB और 64GB आपको मिलता है 23,900 रुपये का, यानी कुल 24,000 रुपये का। उसके बाद बात करें 6GB और 128GB की तो वो आपको मिलता है 28,990 रुपये का, यानी 29,000 रुपये का। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फ़ोन 27 और 28 सितंबर को अवेलेबल होंगे ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन स्टोर सैमसंग पर। उसके बाद उतर के आएंगे धीरे धीरे के मार्केट में। अगर आप हैं सैमसंग के शौकीन और सैमसंग के फैन, इस फोन को लेने के लिए तैयार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपना थोड़ा सा प्यार मुझे दिखाते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं।